हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का फिर से एक बार अली टॉक चैनल में स्वागत करता हूं दोस्तों। और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं पेन ड्राइव के अंदर अपनी जो विंडोज़ 10 है वो आईएसओ फाइल कैसे बूटेबल बनाते हैं। जी हां दोस्तों, ताकि आप अपनी पेन ड्राइव की मदद से अपने पीसी में या लैपटॉप में विंडोज़ इंस्टॉल कर सकें ईजीली, तो उसका तरीका मैं बताऊँगा आज इस वीडियोज़ के अंदर। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रा सा भी स्किप मत कीजिएगा। और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाके भी सब्सक्राइब कर लीजिए रेड वाले बटन को दबा के, साथ में दबा लीजिएगा बेल आइकन को ताकि आपको सारी वीडियो की नोटिफिकेशन अपडेट हर बार मिलती रहे। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे पेन ड्राइव बूटेबल बनाने की, विंडोज़ 10 की हो या 7 की हो, 8 की हो, XP की हो, सबका प्रोसेस एक ही है। और नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं आने वाली में, अगर आपको ये वीडियोज़ का मुझे रिज़ल्ट अच्छा मिला तो मैं आपको बताऊंगा कि एक ही पेन ड्राइव के अंदर 3 या 2 विंडोज़ कैसे आप पुटेबल बना सकते हैं, अपने पीसी पे इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए, हम यहाँ पर जो है सबसे पहले आईएसओ की फ़ाइल जो यूज़ कर रहे हैं वो विंडोज़ 10 की है। और ये विंडोज़ 10 कहाँ से डाउनलोड करनी है, इसके ऊपर मैंने पहले से एक वीडियोज़ डाली हुई है, आप जाकर यहाँ पर देख सकते हैं इस वीडियोज़ को। तो ठीक है, अभी हम बात कर रहे थे तो बूटेबल की। तो ये एक सॉफ्टवेयर है हमारे पास रफूज़ का, यहाँ पर रफूज़ सॉफ्टवेयर, इसका एक लेटेस्ट वर्ज़न आ चुका है यहाँ पर। चलिए मैं इसे पहले डाउनलोड कर लेता हूँ रफूज़। तो यहाँ पर हम चले जाते हैं पहले गूगल पर। गूगल पे आने के बाद यहाँ पर हम लिखेंगे रफूज़। तो रफूज़ लिखने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का एक इनकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आ जाएगा यहाँ पर। इस पर क्लिक करना है और ये आपके सामने रफूज़ की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो ये देखने में कुछ इस तरीके से है सॉफ्टवेयर, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसके बारे में इन्होंने यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, ये आप पढ़ सकते हैं। और इसका वर्ज़न जो है यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट फाइल आप यहाँ पर देख सकते हैं, इन्होंने ये अपडेट जो इसकी दी है रफूज़ की 3.8। चलिए मैं इसे एक बार क्लिक करता हूँ यहाँ पर और ये मेरे सामने डाउनलोड का प्रोसेस आ चुका है। ये 1.5 MB का, तकरीबन 2 MB के आसपास का है। तो चलिए अभी से हम यहाँ पर ओपन फोल्डर कर लेते हैं और यहाँ पर इसे मैं कट कर लेता हूँ ताकि मैं इसे डेस्कटॉप पर डाल लूँ आपके सामने इजीली। और ये जो ओल्ड वर्ज़न है मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। अभी हम यहाँ पर यूज़ करने वाले जो इसका लेटेस्ट वर्ज़न है, चलिए इसे हम डबल क्लिक कर लेते हैं या फिर हम राइट क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। तो यस परमिशन पूछा है हमसे, तो हम इसे यस कर लेते हैं। और यस करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरीके से ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो ऑप्शन आता है इसके अंदर डिवाइस का, आपके पास कौन सी पेन ड्राइव है लगी हुई यहाँ पर, उसको ये चूज़ करने के लिए बोलता है यहाँ पर। अभी मैंने यहाँ पर 32 GB की एक रिमूवेबल डिस्क लगाई हुई है, तो यहाँ पर मैं आपको ये देखने को मिल जाएगी। देखिए यहाँ पर रिमूवेबल डिस्क है ये, ठीक है, इसको मैंने एक बार फॉर्मेट करके रखा हुआ है, चाहे तो आप इसे दोबारा से फॉर्मेट कर लेना अपनी पेन ड्राइव को, ठीक है, ऑलरेडी मैंने फॉर्मेट करके रखा है। तो सिलेक्ट द आईएसओ बूटेबल सिलेक्शन, ये कह रहा है कि यहाँ पर अपनी फाइल को जो है आपको सिलेक्ट करना होगा। तो मैंने डेस्कटॉप पे रखी है तो मैं यहाँ पर डेस्कटॉप चूज़ कर लेता हूँ और ये अपनी आईएसओ फाइल जो है वो ओपन कर लेता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर मेरी जो आईएसओ फाइल है वो यहाँ पर इसमें ऐड हो चुकी है। इसके बाद कह रहा है इमेज ऑप्शन, तो यहाँ पर हम रखने वाले हैं स्टैंडर्ड विंडोज़ इंस्टॉलेशन, ठीक है। और यहाँ पर आता है पार्टीशन के बारे में कि कौन से फॉर्मेट पे आप पार्टीशन, जैसे कि हमारी हार्ड डिस्क में कई तरह के फॉर्मेट होते हैं, उसके पार्टीशन के मतलब फॉर्मेट होते हैं, वो आप अपनी हार्ड डिस्क में जाकर चेक कर सकते हैं। वो कैसे चेक करना है, तो यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है माई कंप्यूटर पर और डिवाइस मैनेजर में चले जाना है या मैनेज में चले जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पर डिस्क मैनेजमेंट पर क्लिक करना है। तो जैसे ही डिस्क मैनेजमेंट पे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस पर राइट क्लिक करेंगे आप, तो यहाँ पर आप अब देख सकते हैं जो मेरा फॉर्मेट है वो MBR चल रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये एक GBT ऑप्शन दे रहा है, एक MBR। तो फिलहाल अभी मेरा यहाँ पर जो इसमें फॉर्मेट चल रहा है वो MBR चल रहा है। अभी यहाँ पर हमारे पास 2 ऑप्शन और दिखा रहा है, कन्वर्ट टू डायनेमिक डिस्क और कन्वर्ट टू GBT। तो यहाँ पर कन्वर्ट टू GBT हम नहीं कर सकते, इसे डायनेमिक पे कर सकते हैं। डायनेमिक पे करने के बाद ये होता है कि हमारी जो हार्ड डिस्क होती है वो डायनेमिक फॉर्मेट पे आ जाती है और उसमें हम जो डाटा रखते हैं वो सब एकदम रिस्क हो जाता है उसमें रखने के बाद, क्योंकि डायनेमिक डिस्क पे अगर ज़रा सी भी हार्ड डिस्क्रिप्शन में आएगी तो सारा डाटा आपका लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो MBR एकदम यहाँ पर सेफ़ है, या फिर आप GBT भी यूज़ कर सकते हैं। तो GBT पे थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज चलता है, उसमें आपको GBT ही स्पेशल पेन ड्राइव बूटेबल बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पर GBT का फॉर्मेट ना लेके मैं यहाँ पर रखा हूँ MBR, ये नॉर्मल है, ठीक है, एकदम नॉर्मल जैसे शुरू से अभी तक चलता आ रहा है। ये बाद में इन्होंने GPT, डायनेमिक और बहुत सारी चीज़ें इन्होंने ऐड कर दी है, जैसे कि 4 TB हार्ड डिस्क आती है उसके लिए ये GPT काम करता है, डायनेमिक के लिए भी इसमें काम करता है,
पोर्टी भी हार्ड इसमें थोड़ा सा अलग तरीके से विंडोज़ इंस्टॉल होती है, तो इसलिए उसका GBT फॉर्मेट चूज़ करना पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पर ये टारगेट सिस्टम हमसे पूछ रहा है BIOS, तो ये UEFI CSN रहेगा यहाँ पर, ठीक है। अगर हम GPT से सिलेक्ट कर लेते हैं तो ऑटोमेटिक ये UEFI और नॉन CM हो जाता है। तो चलिए हम इसे MBR ही कर लेते हैं, और उसके बाद यहाँ पर शो एडवांस का ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप इसे देख सकते हैं। यहाँ पर लिस्ट USB हार्ड डिस्क और ये सब सारे ऑप्शंस हैं, तो मैं कहूँगा कि इसे आप अपनी सेटिंग्स पे रहने दें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलता है फॉर्मेट का ऑप्शंस, तो फॉर्मेट ऑप्शन में आप अपना नेम डाल सकते हैं पेन ड्राइव का, तो यहाँ पर मैं कोई नेम चेंज करने वाला नहीं हूँ। तो यहाँ पर फाइल सिस्टम्स है, यहाँ पर फाइल सिस्टम कौन सा फॉर्मेट आप यूज़ करना चाहते हैं, NTFS या FAT32 bit। तो FAT32 bit जो है हमारा यहाँ पर MBR से अगर हम GPT सेलेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली FAT32 bit हो जाता है। ये जो सेटिंग्स है तो ये FAT32 bit पे ही यूज़ होती है, तो हम नॉर्मल यहाँ पर यूज़ करने वाले। इसमें स्पीड अच्छी मिलती है जब हम विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं, और यहाँ पर इसका पल्सर साइज़ जो है वो हम यहाँ पर इसे बिल्कुल भी बाय डिफ़ॉल्ट रखेंगे, इसे बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद जो एडवांस का ऑप्शन मिलता है, क्विक फॉर्मेट करना चाहते हैं, क्रिएट एक्सटेंडर लेबल और आइकन फाइल, ये सब ऑप्शन, तो हम इसे यहाँ पर कुछ भी नहीं छेड़ने वाले। सिंपली हम यहाँ पर अब स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, तो चलिए हम यहाँ पर स्टार्ट पे क्लिक कर देते हैं। तो स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरीके का एक वार्निंग मैसेज आ रहा है कि इसमें लिखा हुआ है वार्निंग ऑल द डाटा ऑन डिवाइस नो लेबल नॉन एबल जो है इसका भी नेम दे रहा है 32 bit इसका जो है स्पेस है और विल बी डिस्ट्रॉयड। तो यहाँ पर जितना भी इसमें डाटा होगा वो सारा इरेज हो जाएगा या डिस्ट्रॉयड यानी कि ख़त्म हो जाएगा। टू कंटिन्यू दिस ऑप्शन क्लिक टू ओके एंड क्विट द कैंसिल, तो यहाँ पर कैंसिल करने पे कैंसिल हो जाएगा और ओके करते ही ये स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर अभी देख सकते हैं तो ये क्लीन कर रहा है MBR पार्टीशन के अंदर, ये इसका स्ट्रक्चर बना रहा है क्योंकि एक पेन ड्राइव का अलग से फॉर्मेट बन जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए अभी ये अनलॉकेड हो गया है, इसे दोबारा से ये क्रिएट करेगा अभी मेरी पेन ड्राइव को यहाँ पर। तो चलिए मैं एक बार डिवाइस मैनेजर में जाता हूँ वापसी से, और जैसे मैं वापसी आऊँगा तो ये अनलॉकेड स्पेस आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। इसने इसे फॉर्मेट किया, अनलॉकेड किया, उसके बाद दोबारा से क्रिएट करके इसे अपना स्ट्रक्चर जो अपने हिसाब से इसे बूटेबल बनानी होती है उसके हिसाब से ये इसे बूटेबल बना देता है। इसमें आपको कुछ नहीं करना होता, सिर्फ इसमें आपको वेट करना होता है 4 से 5 मिनट। तो जब तक कि ये फाइल इसमें ISO फाइल ऐड हो रही है तब तक मैं इसे थोड़ा सा वीडियो को स्किप करने वाला हूँ। तो अभी यहाँ पर देख सकते हैं आप हमारा जो प्रोसेस है वो ये 99% के आसपास पहुँच गया है। यहाँ पर ये 100% हो चुका है और यहाँ पर फाइनलाइज और ये रेडी भी हो चुकी है यहाँ पर हमारी पेन ड्राइव। तो ये देखिए हमारा यहाँ पर ये 28 GB की पेन ड्राइव थी और इसका नेम वगैरह वही सब चीज़ें हो चुकी है जो यहाँ पर थी, देख सकते हैं आप बिल्कुल सेम है यहाँ पर, ये भी और ये भी इसका जो लेवल नेम है यहाँ पर ये भी। तो अभी हम यहाँ पर इसे दोबारा से स्टार्ट नहीं करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे कैंसिल यानी कि क्लोज। और यहाँ पर मैं भी आपको माई कंप्यूटर में भी दिखा देता हूँ इसका जो यहाँ पर पेन ड्राइव है, ये हमारी कुछ इस तरीके से आ गई है यहाँ पर, ठीक है। तो अभी मैं इसे निकाल कर एक बार दोबारा से लगाने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये हमारा कुछ इस तरीके से इस पर आइकन भी आ गया है, इसमें हमारी विंडोज 10 जो है वो भी बूटेबल बन चुकी है। तो इस तरीके से बूटेबल फाइलें आ जाती हैं यहाँ पर। तो देखा आपने ये कितना इजी तरीका है पेन ड्राइव को बूटेबल बनाने का एक रफूज सॉफ्टवेयर की मदद से। हालांकि बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं इस तरीके के और जो पेन ड्राइव बूटेबल बनाने का ऑप्शन देते हैं आपको, लेकिन इस रफूज के अंदर ये बात है कि आपको यहाँ पर दो ऑप्शन मिल जाते हैं, एक MBR का और एक GPT का। ये दो ऑप्शन आपको समझ में आ गए होंगे किस तरीके के फॉर्मेट पर काम करते हैं। हालांकि मैं इसके ऊपर एक नए तरीके से और एक सेपरेट वीडियोस बनाने वाला हूँ बाद में इसके ऊपर, ठीक है। पहले मैं देखना चाहता हूँ ये वीडियोस आपको कैसी लगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और आप हमें कमेंट करके बताइए कि वीडियोस कैसी लगी। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।